हेलो दोस्तों, आपका एक बार से फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सवाल का जवाब पेटीएम भेज जीतो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक नई ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों कि जिससे आपको बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2019 में आ गई है राशन कार्ड की नई लिस्ट, जिससे कि आप अपना नाम चेक कर सकते हो और आपको सभी को, हमारे भाइयों को, डिजिटल राशन कार्ड मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करता हूँ गुजारिश कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आपको सिंपली अपने ब्राउज़र को खोल लेना है और आपको ब्राउज़र में टाइप करना है, यहाँ दोस्तों आपको ब्राउज़र में टाइप करना है राशन कार्ड। यहाँ दोस्तों, मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इस पर पहले क्लिक करना है और उसके बाद आपको NFS की पात्रता सूची पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, वैसे एक नई टैब ओपन होगा। देखिएगा दोस्तों, ये फोन में दो बार में खुलती है, इसलिए मैं फिर से उस पर NFS पात्रता की सूची पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आप उत्तर प्रदेश के सभी राज्य निकल आएंगे। तो दोस्तों, आपको आपका जो भी जिला है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा रामपुर है, मैं अपने रामपुर पर क्लिक कर लेता हूँ। मेरा ब्लॉक मिलक है, मिलक पर क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। मेरा गाँव जो है ग्रामीण, वो मेरा जीवाई कदीम है। तो दोस्तों ये देखिएगा, तो दोस्तों ये देखिएगा, अब यहाँ पर हमारे कुछ भाई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे इसमें नहीं। दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के राशन कार्ड हैं, एक अंधोतक और एक पात्र गृहस्थी। तो दोस्तों, पात्र गृहस्थी में सबसे ज़्यादा हैं और अंधोतक में जो होता है वो गरीबी से नीचे व्यापन करने वाले होते हैं, जो गरीबी से रेखा के नीचे होते हैं। तो दोस्तों, ये 456, आप जैसे इस पर क्लिक करो 465 पे, जैसे ही आपके गांव की लिस्ट निकल के आ जाएगी, आप यहां से अपना नाम देख सकते हो और अपना पूरा राशन कार्ड चेक कर सकते हो। जैसे दोस्तों ये राशन कार्ड नंबर है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो पूरा राशन कार्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों, पूरा राशन कार्ड खुल के आ गया है। इसी साथ दोस्तों, हुआ ना काम के बाद, अब चल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।